हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार स्वागत किया जाता है वाईफाई स्टडी पर, और मैं आप लोगों के साथ आपकी मेंटोर एक बार गौरी मैम एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मेरा नाम गौरी भट्ट है और हम आपके साथ डेली वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर जुड़ते हैं, बट आज हम जुड़े हैं आपके साथ वाईफाई स्टडी पर। तो आप लोगों को एक बेहद 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 इंपॉर्टेंट न्यूज मैं दे दूँ कि आज से हर सैटरडे संडे एवरी सैटरडे संडे आप लोगों को फ्री स्पेशल क्लास सुबह 9 बजे दी जाएगी ओनली ऑन वाईफाई स्टडीज पर। ठीक है, तो आप में से जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो वाईफाई स्टडी पर हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो लोग अब जुड़ना शुरू कर देंगे। वाईफाई स्टडी पर आप लोगों को आज से हर सैटरडे संडे स्पेशल क्लास सुबह 9 बजे दिया जाएगा ओनली ऑन वाईफाई स्टडीज पर। ठीक है, तो चलिए आइए जरा बढ़ते हैं आगे के सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि हमारा सेशन आज का क्या कहता है। आप लोगों को हम बता दें कि आज का सेशन आप लोगों का बेहद बेहद इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, बेहद इम्पोर्टेंट सेशन है और कल है संडे। एज यू ऑल नो दैट एवरी संडे अनअकैडमी पर आप लोगों का होता है कॉम्बिट टेस्ट। ठीक है, एवरी संडे ये जो कॉम्बिट टेस्ट है, इस टेस्ट के थ्रू आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो और इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए आपको गौरीटन कोड को यूज़ करना होगा, जिससे आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकें और 1 करोड़ तक की प्राइज मनी को जीत सकें। याद रखिएगा, आपकी प्राइज मनी, आपकी टेस्ट में रैंक ये डिसाइड करती है कि आपको सब्सक्रिप्शन पे कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको 25% डिस्काउंट भी मिल सकता है, 75% डिस्काउंट भी मिल सकता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। और अगर आपकी इस टेस्ट में रैंक फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आती है तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो कल संडे है और कल 12 बजे आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़ना जरूरी है। ठीक है, जुड़ना बेहद जरूरी है, लेकिन एक बार जरा सेशन की लिंक को सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, ये मेरा पूरा शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास सुबह द हिंदू एडिटोरियल वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर होती है और 10 बजे की क्लास मेरी होती है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। 1 बजे और शाम को 4 बजे हम आपसे मिलते हैं डेली अनअकैडमी पर। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शेड्यूल का ध्यान रखिए ताकि आप लोग क्लासेस को डेली बेसिस पर ज्वाइन कर पाओ। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज का सेशन हमारा क्या कहता है। देखो, कॉम्बिट टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको मेरा नाम गौरी भट्ट सर्च करना है। गौरी भट्ट सर्च करके आप गौरी भट्ट की प्रोफाइल पे जाएंगे और फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद आप ऐप को एक बार फिर से बंद करके फिर से स्टार्ट करेंगे तो आप अपने SSC कॉम्बिट टेस्ट पे जाएंगे। इस SSC कॉम्बिट टेस्ट पर आपको इनरोल करने के लिए गौरीटन कोड यूज करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप गौरीटन कोड यूज करेंगे अनअकैडमी के कॉम्बिट टेस्ट पर आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा गौरीटन कोड के लगते ही। ठीक है, और गौरीटन कोड के लगते ही जब आपकी मार्किंग आएगी तो आप अपने टेस्ट को आप अपने टेस्ट में मार्किंग ला करके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर उतना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं और हो सकता हो आप फ्री में भी पा लो। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आप लोगों को क्या पता है कि अनअकैडमी के 2 ईयर सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी की तरफ से आपको 4 मंथ्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। तो ये मई मंथ का सब्सक्रिप्शन मेगा ऑफर चल रहा है, आप लोग जल्दी से सब्सक्रिप्शन को अपने नाम करा लीजिए जिससे आप लोगों को बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल सके। मतलब 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पर आपको 28 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं, है ना। देखिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, अपने कोर्स को सेलेक्ट करिए। कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद आप हमारा नाम गौरी भट्ट टाइप करिए, फॉलो करिए। उसके बाद आपको अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी भी तरीके का, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्रिप्शन पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपने क्रेडिट पॉइंट से अपने अमाउंट को और रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद आप मेथड चूज करिए कि आपको किस मेथड से पेमेंट करना है और पेमेंट करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर गौरीटन कोड के थ्रू आप लोग फायदे उठा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फायदे कैसे उठाने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या आया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको देंगे सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बताइए, आंसर करिए। हाँ काजल, आई नो एमटीएस का बैच मैम 10 AM पर चलता है मेरा स्टूडियो चैनल पर। ठीक है, ओके काजल, प्रियंका वेरी गुड, आशीष सिंह, मनप्रीत कौर, एवरीबडी गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से सेशन की लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, सेशन को शेयर कर दो गाइस। वेरी गुड, टाइम आप हो चुका है, टाइम आप हो चुका है। आइए जरा देखते हैं कि कितने बच्चों ने क्या क्या आंसर्स दिए हैं। ये आंसर देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड लेट्स सी आप लोगों ने आंसर यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात, आपके सभी वर्ड्स के आंसर क्या है और क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये जानना आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में किस तरीके के बेस पर आए हैं, आइए जरा डिस्कस करते हैं। वन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, ठीक है, जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं एल्कोहल को, उनके बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से। ठीक है, वन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, जो ड्रिंक नहीं करता है एल्कोहल। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, वेजिटेरियन आप आंसर नहीं कर सकते। वेजिटेरियन का मतलब होता है वन हु डू नॉट ईट मीट एंड, जो नॉनवेज नहीं खाते। फेथफुल, जो बहुत ज्यादा किसी के लिए ईमानदार होते हैं। रिलीजियस, जो धर्म से रिलेटेड होते हैं। बच्चा क्या आपके पास ऑप्शन नंबर डी। तो आपने यहाँ पर कौन सा मेथड लगा दिया, आपने यहाँ पर एलिमिनेशन का मेथड लगा दिया। कौन सा मेथड लगा दिया गाइस, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आज हम आप लोगों को इस सेशन में रूट वर्ड्स भी बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे रूट वर्ड्स बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, लेट मी नो द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग आकाश पांडे, अभिषेक केसरवानी, रोहित, अभिषेक दे, राहुल कुमार सिंह, मिस्टी गोस्वामी, एवरीबडी इज गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, one who makes an official examinations of account, auditor, that's cool, very good Manpreet, everybody is right। आ जाओ जरा देख लेते हैं कि राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का क्या बनेगा। कंट्रोलर होगा, सुपरवाइजर होगा, ऑडिटर होगा या फिर ऑफिसर होगा। आंसर होगा तो होगा क्या, आप लोगों को मैं बता दूं, द करेक्ट आंसर इज ऑडिटर। कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर का मतलब होता है अ पर्सन हु कंट्रोल्स समथिंग, कोई भी एक ऐसा इंसान जो कंट्रोल करता है किसी भी चीज को। सुपरवाइजर का मतलब होता है अ पर्सन हुज जॉब टू सुपरवाइज समवन, एक ऐसा इंसान जिसकी जॉब है, जिसका कार्य है सुपरवाइज करना किसी भी इंसान को। ऑफिसर, अ पर्सन हु हैज अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंसान जिसकी किसी भी ऑफिस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर एक अच्छी पोजीशन होगी, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफिसर कहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो अब यहाँ पर हम आपको हर 2 से 3 क्वेश्चन के बाद कुछ रूट वर्ड्स बताएंगे। आइए जरा जानते हैं कुछ रूट वर्ड्स, उसके साथ बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहली बात याद रखिएगा, अगर कभी भी आपके एग्जाम में ग्राफ वर्ड आ जाए, GRAPH आ जाए, या फिर ग्राफी शब्द आ जाए, GRAPHY आ जाए, ठीक है, ये वर्ड्स याद रखिएगा लिखने को दिखाते हैं, ये एजुकेशन से रिलेटेड वर्ड होते हैं। जैसे ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, लिखना। किसके बारे में, खुद के बारे में। जब इंसान अपनी जीवन शैली के बारे में लिखता है, क्यों, क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और बायोग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है लिखना, तो खुद के बारे में लिखना उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। बोलो समझ में आया, हाँ या ना? वेरी गुड। अच्छा, बैरोग्राफ, बैरोग्राफ इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो रिकॉर्डिंग ऑफ एटमोस्फेयर प्रेशर। ठीक है, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी हम किसे कहते हैं, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी को कहा जाता है ब्यूटीफुल राइटिंग। कैली मतलब होता है ब्यूटिफुल, कैली मतलब होता है ब्यूटी, और ग्राफी मतलब होता है व्हेन यू राइट समथिंग। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ या ना? कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफर का मतलब होता है, या कार्टोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ प्रोसेस ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। कार्टो का मतलब होता है मैप्स मेकर, जो मैप्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी उसमें भी तो ग्राफी वर्ड आता है। जैसे कोरियोग्राफी की स्पेलिंग क्या होती है? कोरियोग्राफी की स्पेलिंग होती है CHOREOGRAPHY। कोरियोग्राफी दैट मीन्स जो डांस सिखाने का काम करता है, जो डांस स्टेप्स सिखाने के काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कोरियोग्राफर बोलते हैं। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? तो ये वर्ड्स आपके पास कैसे हो गए? ये आपके हो गए रूट वर्ड्स। ये कैसे वर्ड हो गए बेटा? रूट वर्ड्स हो गए। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? बिल्कुल राइट सोनू गुप्ता। अभी हम और सारे रूट वर्ड्स आपको बताएंगे, सारे रूट वर्ड्स को नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं और आइए जरा बताएंगे आप लोग मुझे यहाँ पे। अभी जस्ट इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है, जितने भी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा वो डेफिनेटली मुझे इसका आंसर बताएंगे। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स। मनप्रीत कौर, एवरीबडी इज राइट। चलो वेरी गुड गाइज। गाइज सेशन के लिंक को प्लीज शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो। ठीक है, प्लीज शेयर करिए। इस सेशन में आप लोगों को डेली शेयर करना है, जिससे कि ये सैटरडे संडे, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे होगी। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सैटरडे संडे होगी, सुबह 9 बजे होगी। इस चीज का भी आप लोगों को काफी ख्याल रखना है। ठीक है, चलो बताओ। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय ऑटोग्राफी, क्यों? क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद के लिए, और ग्राफी मतलब होता है राइट, दैट मीन्स खुद के लिए लिखी गई आत्मकथा, है ना। लेकिन बाकी वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं? बाकी वर्ड्स के भी तो कुछ मतलब होते होंगे ना, ऐसा तो नहीं होता होगा कि बाकी वर्ड्स नहीं है। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझना, जिससे आप लोगों को समझ में पॉइंट टू पॉइंट आएगा। सबसे पहली बात, म्यूजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट द राइट आंसर। दैट मीन्स द साइंस, नोट करिएगा, इसका मतलब होता है द साइंस और प्रैक्टिस, कोई भी एक ऐसी साइंस या फिर प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जो ऑर्गेनाइज करने के लिए रखी जाए, अरेंज करने के लिए रखी जाए, मैनेजिंग म्यूजियम, जो म्यूजियम को सही करने के लिए। ठीक है, बायोग्राफी का मतलब होता है किसी और के बारे में लिखना, समवन्स, किसी और की जिंदगी के बारे में लिखना। ठीक है, बिबिलोग्राफी का मतलब होता है बुक्स, बिबिलो वर्ड जो होता है वो हमेशा बुक्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अ लिस्ट ऑफ बुक रिफर्ड इन अ स्कॉलरली वर्क, पॉइंट समझ में आ गया। बिबिलो वर्ड जब कभी भी आपके पास आएगा, याद रखिएगा वो वर्ड हमेशा बुक को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो ग्राफी की बात अगर छिड़ी गई है तो हमने जैसे भी कुछ वर्ड्स आपको बताए। ठीक है, अब हम और वर्ड्स आप लोगों को बता देते हैं, जैसे होमोग्राफी, होमोग्राफी, होमोग्राफ का मतलब क्या होता है? होमोग्राफ द वर्ड्स दैट हैव सम पंक्चुएशंस, प्रोनाउंसिएशन, आप कह सकते हो द वर्ड दैट हैव सम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, जब जो सेम होते हैं। आपने देखा है ना, हम इफेक्ट पढ़ते हैं तो इफेक्ट तो ये भी होता है और कई सारे में होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कुछ वर्ड्स को बोलने में तो वो सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। अब आपने समझा कैसे? क्योंकि होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा दिखने वाला। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट देखो मोनोग्राफी। ठीक है, मोनोग्राफी, मोनोग्राफी का मतलब होता है जो मोनोग्राफ करते हैं। क्लियर? हाँ या ना? फोटोग्राफी, 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 बात समझ में आई? फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है? द स्किल ऑफ टेकिंग फोटोज, द स्किल ऑफ टेकिंग फोटोज। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? अमित, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव चल रहा है ये। ठीक है, बोलो समझ में आया पॉइंट? यस और नो एवरीवन? चलिए आइए इसी पेज पर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछेंगे, होमो का मतलब होता है सेम, तो याद रखना हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, नोट कर लीजिएगा इसको, जिससे कि आप लोग कभी भी इस पॉइंट को ना भूलें, ठीक है। अच्छा, आप में से जितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो प्लीज जल्दी से लाइक और शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, फोर्थ की तरफ बैठते हैं और फोर्थ का आंसर आप लोग मुझे बताओगे। राकेश, ये क्लास आप लोगों की एवरी सैटरडे, हर सैटरडे और संडे चलेगी सुबह 9 बजे 9 AM पर, ठीक है, ओनली ऑन वाईफाई स्टडी पर, ध्यान दीजिएगा चैनल और टाइमिंग, ठीक है। चलो अब नाउ प्लीज टेल मी, वेरी गुड हर्ष, अजय, आशीष, एवरीबडी इज राइट। आज जरा देखते हैं कि यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का क्या है। One who talks a lot, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बातें करता है, जो बहुत ज्यादा बातूनी है ना। देखो अब आपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम यहाँ पर भी रूट वर्ड्स डिस्कस करेंगे आप लोगों से बहुत सारे। देखो सबसे पहली बात, ग्लुटन इज नॉट द राइट आंसर, दैट मींस एक्सेसिवली ग्रीडी पर्सन, ग्रीडी ईटर भी आप कह सकते हो, जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, ईटर खाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड, है ना, जो अनकम्युनिकेटिव होता है, जो बहुत कम बातें करता है, जो बहुत कम बातें करता है, अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, सेइंग लिटिल, जो थोड़ा बहुत कहता है, सेइंग लिटिल, जो थोड़ा बहुत कहता है, ना के बराबर, या फिर आप कह सकते हो अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, जो बहुत कम बोलता है, क्लियर। अच्छा ऑप्शन नंबर डी भी राइट आंसर नहीं होगा, दैट मींस इजीली परसुएडेड to believe something, to believe something। I hope आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से नोट हो चुका है, क्लियर, वेरी गुड। सो बढ़ते हैं आगे और कुछ रूट वर्ड्स जानते हैं, ठीक है। देखो a person who loves only himself, जो इंसान खुद को प्यार करना जानता है, जो खुद को सिर्फ जानता है कि यार हम ही हैं जो कुछ है, तो क्या कहेंगे आप उसे, जो सिर्फ सेल्फ लवर, बट आंसर यहाँ पे सेल्फ लवर तो नहीं होगा, हम आप लोगों को एक इनडायरेक्ट वे में आंसर बता दे रहे हैं। सेल्फ लवर इट्स नॉट द राइट आंसर, सेल्फ लवर बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ पे भूल के भी ऑप्शन नंबर 1 चूज मत करना, सेल्फ लवर इज नॉट द राइट आंसर। देखो टाइम अप हो चुका है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, नैकास्टिक्स। देखो सेल्फ लवर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, someone who regards for one's own well-being और happiness, जो खुद की खुशी से खुश होता है, जो अपने को समझता है कि मेरी वजह से ये खुशी हुई है, उसको हम कहते हैं सेल्फ लवर। That's not the right answer. The right answer is option number 2. Namesake. Namesake का मतलब होता है a person who have a same name. Same name के लोग आप लोगों ने देखे, कई लोगों का नाम सेम होता है, जैसे आप लिख सकते हो a person or thing, a person or thing that has the same name as another, जैसे दूसरों का है, that another, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक आपको पता है, आशावादी, जो होपफुल होते हैं, जिन्हें पता होता है कि आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होगा ही होगा हमारे साथ, पर श्योर, जिन लोगों को बिल्कुल पूरी गारंटी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स मिलते हैं सेम और डिफरेंट के। होमो वर्ड आपके पास एक आता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, जस्ट रिमेंबर दिस, होमो का मतलब होता है सेम, और एक होता है हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स डिफरेंट, अलग अलग। होमो से कई सारे वर्ड बनते हैं, जैसे होमोग्लॉट, होमोग्लॉट आप लोगों ने देखो, अभी ग्लॉट वर्ड आप किससे रिमेंबर रख सकते हो, आप ग्लॉट वर्ड को ग्लॉट्स से रिमेंबर रख सकते हो, क्योंकि ग्लॉट्स वर्ड्स आपका जो है वो लैंग्वेज को दिखाने का काम करता है, जिनकी लैंग्वेज सेम होती है ना, क्योंकि होमो का मतलब क्या होता है सेम, और ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज, दैट मीन्स जिनकी सेम लैंग्वेज होती है, जो लोग सेम कई बार सेम दिखने वाले एक जैसे कलर के लोगों को हम क्या कहते हैं, है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। लेट मी नो द राइट आंसर। वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, जो बिल्कुल बेपरवाही से पैसों को खर्च करता हो उसको आप क्या बोलोगे। कम ऑन गाइस, देखो ये क्लास जो है ना यार, ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्लास है। अगर आप देखोगे ना देन यू फील इट, आपको लगेगा कि यार हम यहाँ पे पता है सिर्फ वोकैब नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर रूट वर्ड्स भी पढ़ रहे हैं, हम ये भी पढ़ रहे हैं कि हम शब्दों को कैसे, हमें रटना नहीं हमें सीखना है, हम कैसे शब्दों को सीख सकते हैं। आप इस सेशन में ये भी देख रहे हो, है ना। तो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप डेली सेशन को देखोगे, डेली मेरे साथ जुड़ोगे, आपको नई नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, आप जैसे देखो इस वर्ड का मीनिंग हम आपको बताते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, एक ऐसा इंसान जो पैसों को बहुत ही लापरवाही के साथ खर्च करता हो, है ना, जो लापरवाही के साथ खर्च करता हो। दैट मींस स्पेंडथ्रिफ्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखो डिवाइन नहीं होगा, डिवाइन का मतलब होता है लाइक गॉड, भगवान की तरह, लाइक गॉड। ठीक है, लाइक गॉड। जेनरस, जेनरस वर्ड जो होता है वो दिखाता है दैट इज स्ट्रिक्ट नेसेसरी, आप कह सकते हो शोइंग अ greediness और टू गिव मोर ऑफ समथिंग। मेजरली मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन हु होल्ड्स वेल्थ एंड स्पेंड्स अ लिटिल मनी एज पॉसिबल, जो बहुत कम पैसों को खर्च करता हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आ जाओ जरा यहाँ पर भी कुछ रूट वर्ड्स जान लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। अब जैसे आप कभी भी अगर आपके पास फिल वर्ड आ जाए PHIL, या फिर फाइल वर्ड आ जाए PHILE, या फिर फिलो वर्ड आ जाए PHILO, याद रखिएगा ये वर्ड्स हमेशा और हमेशा लव को दिखाने का काम करते हैं, अट्रैक्शन को दिखाने का काम करते हैं। ये वर्ड्स कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आएंगे, याद रखिएगा, या इनसे कोई भी वर्ड शुरू होगा तो ये वर्ड हमेशा और हमेशा अट्रैक्शन को, लव को दिखाने का काम करेंगे। जैसे अगर हम बोले आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश भाषा से बहुत प्यार है, तो हम आपको बोलेंगे यू आर अ लवर ऑफ एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल का मतलब होता है लवर ऑफ इंग्लिश, लवर ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश से प्यार करता है। ठीक है, अच्छा एंड्रो, एंड्रो वर्ड जो होता है वो मेल को दिखाने का काम करता है, मेन को दिखाने का काम करता है। और अगर यही एंड्रोफाइल आ जाए वर्ड अगर आपके पास, तो एंड्रोफाइल का मतलब फाइल मतलब लवर, लव, और एंड्रो मतलब मेन, जो आदमियों से प्यार करते हैं उन्हें एंड्रोफाइल कहते हैं। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, हाँ या ना। अभी हमने बिबिलो वर्ड पढ़ा था, आई होप आप लोगों को याद होगा। ठीक है, बिबिलो का मतलब हमने आपको क्या बताया था, बुक, है ना। तो अगर आपके पास कभी आ जाता है लवर ऑफ बुक किसे कहते हैं, तो लवर ऑफ बुक हम बिबिलो फाइल को कहते हैं। क्यों, क्योंकि फाइल का मतलब होता है लव और बिबिलो का मतलब होता है बुक्स। दैट मीन्स लवर ऑफ बुक्स। क्लियर है बात, हाँ या ना, बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं। लवर ऑफ बुक्स, राइट और रॉन्ग, हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। याद रखिएगा एंड्रो वर्ड, एंड्री वर्ड, एंड्रो आ जाए या फिर एंड्री आ जाए, ठीक है, ये वर्ड्स हमेशा मेल को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और रूट वर्ड सीखेंगे। हर क्वेश्चन के साथ हम आपको कुछ नए रूट वर्ड्स बताएंगे। चलिए, अ पर्सन हु क्रिएट्स एंड स्टडीज मैप्स, ये क्वेश्चन का आंसर अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको रूट वर्ड में बताया था। देखते हैं कितने लोग आंसर सही देते हैं। चलिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। गाइस, ये सेशन आप लोग मेरी बाकी सभी क्लासेस वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर पा सकते हो। ठीक है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर मेरी हर क्लास चलती है। ठीक, लेकिन आप लोग सुबह 8:15 AM पर मेरा द हिंदू एडिटोरियल शो होता है, जिसमें हम आपको लैंग्वेज सब्स्टिट्यूशन भी सिखाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सिखाते हैं, वोकैब भी सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो आप लोग डेली इस पेपर में मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने आंसर राइट दिया है। अभी हमने आपको बताया कार्टो का मतलब होता है मैप्स और ग्राफर का मतलब होता है राइट, दैट मीन्स जो लिखता और स्टडी करता है। मैप मेकर इज नॉट द राइट आंसर, मैप मेकर आपका राइट आंसर नहीं बनेगा। लेकिन बाकी दो वर्ड, जियो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, आइए जरा देखते हैं कि जियो वर्ड अगर आपके एग्जाम में कभी भी आएगा तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट कराओगे। देखो, जियोलॉजिस्ट इज नॉट द राइट आंसर। क्यों? दैट मीन्स एन एक्सपर्ट और स्टूडेंट ऑफ द साइंस विच डील्स विद द फिजिकल स्ट्रक्चर्स, जो फिजिकल स्ट्रक्चर से डील करते हैं, जो बच्चे साइंस ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें कहते हैं। जियोग्राफर दैट मीन्स एक्सपर्ट और स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पता चल गया तुम लोगों को, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस फॉर फिश और वाटर प्लांट्स, लेट मी नो द राइट आंसर। निशांत बहुत बढ़िया, सोनू गुप्ता बहुत बढ़िया एवरीवन, प्रियंका दास वेरी गुड। गाइस आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पर आप लोगों को मुझे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप लोग जाइएगा तो गौरी भट्ट आप जैसे ही टाइप करोगे, ठीक है, GAURIBHATT, आप हमारा पूरा नाम जैसे ही करोगे आपको वहाँ पे हमें फॉलो करने का ऑप्शन देगा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फॉलो करना आप लोगों के लिए बिल्कुल नेसेसरी है, तो फॉलो जरूर से कर लीजिएगा मुझे आप लोग, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। चलो, आप प्लेस फॉर फिश और वाटर प्लांट्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर फिश और वाटर प्लांट्स दोनों रह सकते हैं, तो उनको आप क्या कहोगे? Tell me. मजा आ रहा है सेशन में, हाँ या ना? एक बार जल्दी से जरा मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ मैम हमें अच्छा लग रहा है। उसको हम कहते हैं एक्वेरियम। ये सबके घरों में होता है, सबको पता है ना। लेकिन एवरी का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स अ लार्ज बिल्डिंग। नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है अ लार्ज बिल्डिंग, ठीक है, अ लार्ज बिल्डिंग जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है ना। अच्छा, अ प्लेस वेयर बी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अ प्लेस वेयर मधुमक्खियों को जहाँ पर रखा जाता है, बीज आर केप्ट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द राइट आंसर अगेन, दैट मीन्स अ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ व्हाट? ड्राइड प्लांट्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन 9 पे आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को कुछ रूट वर्ड्स बताएंगे, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर से ले लीजिएगा। अब जैसे हमने आप लोगों को अभी बताया फाइल, फिलो और फिल के बारे में, है ना। अभी हमने आपको क्या बताया? फिल वर्ड के बारे में, फिलो के बारे में और फाइल वर्ड के बारे में। और ये वर्ड हमने किससे रिलेट किए? ये वर्ड हमने लव से रिलेट किए, अट्रैक्शन से रिलेट किए, कि ये वर्ड्स जब कभी भी किसी वर्ड में आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अट्रैक्शन या लव। अच्छा, नेक्रो वर्ड का मतलब कितने बच्चों को पता है? नेक्रो का मतलब क्या होता है? नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडीज। नेक्रो का मतलब क्या होता है? डेड बॉडीज। अब आपके एग्जाम में इससे रिलेट करते हुए दो क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम में इससे रिलेट करते हुए दो क्वेश्चंस आते हैं। वो दो क्वेश्चंस क्या होते हैं जरा समझिएगा। एक आता है नेक्रो फाइल, दैट मीन्स, अब देखो आप कहोगे मैम फाइल, नेक्रो का मतलब क्या है? डेड बॉडीज, और फाइल का मतलब क्या है? लव, दैट मीन्स अ लवर ऑफ डेड बॉडी, या फिर आप कह सकते हो अ लवर ऑफ डेड बॉडीज, और वी कैन से पर्सन हु लव्स टू ईट डेड बॉडीज। बहुत से आप लोग स्टोरी सुनते हो, न्यूज वगैरह देखते हो, है ना, उसमें बताया जाता है कि एक इंसान ने अपनी मदर को, एक केस आया था, आई होप आप लोगों को याद होगा, एक केस आया था जहाँ पर ये बताया गया था कि एक बच्चे ने, मतलब एक बड़े आदमी ने अपनी वाइफ के छोटे टुकड़े काट के फ्रीजर में रख दिए थे। एक आदमी ने अपनी मदर को फ्रीजर में रख दिया था, डेड बॉडी उनकी, तो उसको कहते हैं नेक्रो लवर। दैट मीन्स जो इंसान डेड बॉडीज से प्यार करता है, ठीक है, जो इंसान डेड बॉडीज से प्यार करता है उसको हम नेक्रो बोलते हैं। याद रखिएगा, ये नेक्रो वर्ड जब कभी भी आएगा ये डेड बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। डिपेंड करता है ये नेक्रोफाइल में होकर के आया है या नेक्रोफोबिया में होकर के आया है। क्यों? क्योंकि फोबिया का मतलब होता है फियर, है ना, जिसे हम कहते हैं डर, और नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडी। तो जिस इंसान को डेड बॉडी से डर लगता है उसको हम नेक्रोफोबिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ, एग्जैक्टली सार्थक त्रिपाठी। देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जो अलग अलग तरीके की हैबिट्स रखते हैं, जो अलग अलग तरीके के लाभ रखते हैं। कुछ को इंसानों से प्यार होता है तो कुछ को डेड बॉडी से प्यार होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, दूसरी चीज एक और वर्ड बता देते हैं, रेट्रो। रेट्रो वर्ड जब कभी भी आएगा, जैसे रेट्रोफाइल वर्ड आ गया, ठीक है, तो अब रेट्रो का मतलब होता है रेट्रो। रेट्रो सॉन्ग सुने आप लोगों ने? रेट्रो सॉन्ग सुनते हो आप लोग कि नहीं सुनते? दैट मींस पास्ट। और फाइल का मतलब क्या होता है? लव, है ना। तो जिन लोगों को पास्ट की चीज़ों से प्यार होता है, जो जैसे पुरानी चीज़ों को प्यार करते हैं, पुरानी चीज़ों में याद रखना ऐसा नहीं कि कॉइन्स वगैरह से, कॉइन वगैरह को अलग अलग कहते हैं। जिन लोगों को पुराने सिक्कों से प्यार होता है वो एक अलग सेक्शन हो गया। रेट्रोफाइल का मतलब होता है पास्ट लवर, वो पास्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो जल्दी से। तो आज का सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस सेशन को जुड़ने के लिए आप लोग हर सैटरडे संडे मेरे साथ जुड़ोगे सुबह 9 बजे ओनली ऑन वाईफाई स्टडी पर। क्लियर है बात? हाँ या ना? चलिए आइए जरा इन वर्ड्स पे ऑप्शंस क्वेश्चन पर देख लेते हैं कि आंसर आपका यहाँ पे कौन सा राइट है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड और इन वाटर। कोई भी एनिमल, अभी ये हम शायद पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ या ना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन बाकी वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट द राइट आंसर। दैट मीन्स रिसेम्बलिंग, दैट मीन्स रिसेम्बलिंग अ ह्यूमन बीइंग, रिसेम्बलिंग अ ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म, इन फॉर्म। ओके, ऑप्शन नंबर 2 भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। दैट मीन्स ग्रोइंग, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, जो पानी के पास रहते हैं। ठीक है, दैट मैमल, मैमल ऑफ एन ऑर्डर whose member born in completely development। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, वेलकम टू द फैमिली अर्चना दुबे। जितने भी बच्चे सेशन में नए जुड़े हैं उन सभी को वेलकम है हमारी फैमिली में, आपकी अपनी गौरी मैम की फैमिली में। याद रखना, बस 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो हमारा नाम, जिससे आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ सको। हमारा नाम है गौरी भट्ट। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है, जिससे आप लोगों को क्लासेस मेरी पता चल सके। अनअकैडमी पे मेरी 2 क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। वो होती हैं 1 PM पर, आज भी होगी, और 4 PM पर। ठीक है, चलो आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड। लेट मी नो द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइज, ब्रिलियंटली डन, बहुत मजेदार। आज जरा आंसर चेक करते हैं राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या रखा है द करेक्ट आंसर? अच्छा, टाइमिंग चल रहा है अभी, तो टाइमिंग चल रही है। बहुत बढ़िया चल रहे हो, वेरी गुड, बैंग ऑन। चलो, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 सी। फर्स्ट वर्ड इज नॉट द राइट आंसर। दैट मीन्स ग्रीन फॉलेज, ग्रीन foliage, growing plants, growing plants, ठीक है, growing plants। Option number 3 is not the right answer. That means a storehouse, that means a storehouse for threshed, for threshed grain, ठीक है। ग्रैंड स्टैंड इज नॉट द राइट आंसर। ग्रैंड स्टैंड का मतलब होता है द मेन स्टैंड, द मेन स्टैंड, यूजुअली रूफ्ड। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का सुबह डेली सुबह 8:15 पर 8:15 AM पर डेली मंडे से लेकर के मंडे टू संडे, मतलब एक भी दिन के गैप के बिना डेली सुबह 8:15 पर डेली मंडे टू संडे, ठीक है, ये क्लास आप लोगों की होती है। आप में से जितने बच्चे ऐसे हैं जो इन क्लासेस में नहीं जुड़ते हैं वो 7 days क्लासेस में जुड़ेंगे। ठीक है, ये सेशन आप लोगों को स्टूडियो पर लेना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है ये क्लास आप लोगों के लिए। क्लियर है बात, हाँ या ना? ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अभी आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चीज हम आप लोगों की और नजर डालेंगे, हम आप लोगों को बहुत क्लियरली बता भी दें और रिमाइंड भी करा दें कि कल भी मेरी क्लास होगी यहाँ पर। ठीक है, कल भी मेरा क्लास होगा यहाँ पर, और उस क्लास को अटेंड करने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे। अब इस क्लास को करने में देखो क्या होगा, हम आप लोगों को वो भी बता देते हैं। अनअकैडमी पर हर एवरी संडे, बहुत ध्यान से इस इंफॉर्मेशन को सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एवरी संडे 12 बजे 12 PM पर, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होता है एक कॉम्बिट टेस्ट। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप लोग अनअकैडमी की स्कॉलरशिप को जीत सकते हैं, और अच्छे मार्क अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको 10% से ज़्यादा भी डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप इस टेस्ट में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आते हैं तो अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये हो जाएगी ना डील ऑफ द डे। और ध्यान रखिएगा, सैटरडे, हर सैटरडे, एवरी सैटरडे और एवरी संडे अनअकैडमी वाईफाई स्टडी पर, ठीक है, एवरी संडे और एवरी सैटरडे 9 बजे आप लोगों को मेरी क्लास मिलेगी। तो आप लोग 9 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे। कल भी मेरी क्लास होगी ठीक 9 बजे इसी चैनल पर। ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट डे, थैंक यू फॉर कमिंग गाइस, एंड थैंक यू एंड वेलकम टू द फैमिली। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, अपने नंबर को वहां पे रजिस्टर करके OTP रिसीव करने के बाद जैसे ही आपको OTP मिल जाएगा, आप मैनेज गोल पे जाइए। मैनेज गोल पर जाकर के अपने गोल को सेलेक्ट करिए, उसके बाद गौरी भट्ट टाइप करिए। जैसे ही आप गौरी भट्ट टाइप करेंगे आपको फॉलो करने का ऑप्शन देगा मुझे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। प्लस अनअकैडमी लर्निंग ऐप के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है अनअकैडमी पर, कैसा भी सब्सक्रिप्शन लेना है, आप सीधे जाइए और पहली बात तो आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स को यूज़ करके अपने कोड पैसों को और रिडीम कर सकते हैं। प्लस जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे गौरीटन कोड यूज़ करना होगा। तो गौरीटन कोड को यूज़ करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपने सब्सक्रिप्शन को और आसानी से और कम दामों में क्लियर करिए। ठीक है, तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट क्लास ठीक 10 AM पर, मतलब 10 बजे होगी। कहाँ पर होगी? स्टूडियो पर होगी, जहां पर हम आपके लिए ला रहे हैं रैपिड फायर राउंड। इस रैपिड फायर राउंड में मेरे साथ ठीक 10 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा, मतलब अभी से ठीक 15 मिनट बाद। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से 10 बजे 10 AM पर, ओनली ऑन स्टूडियोज पर। इसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात कहाँ होगी? इसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1 बजे अनअकैडमी पर। ठीक है, तो दोनों क्लासेस के लिए अटेंड करना मत भूलिएगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन गाइस। हैव वेरी ब्लेस्ड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।